बैक टू माई चैनल। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं फ्री थी, वीकेंड था। सो आई थॉट, वीकेंड नहीं था बट मेरा वीक ऑफ था। सो आई थॉट एक फन सा लुक क्रिएट करती हूँ सारे मेकअप ट्यूटोरियल को मिक्स करके, जो कुछ भी मैंने देखा है या सीखा है। सो येस, दिस लुक आई हैव क्रिएटेड विद मिनिमल प्रोडक्ट। सो इफ यू रियली वांट टू नो कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करें, देन कीप ऑन। एंड या, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी 2020। सो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे एज ऑलवेज एलोवेरा जेल जो है वो ली है, एंड मैं सारे फेस पे उसको अप्लाई कर लूँगी। इससे बढ़िया प्राइमर मुझे कभी नहीं मिल सकता, सो यू शुड ट्राई दैट वंस टू। सो बीबी क्रीम मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन हैवी हो जाता है तो बीबी क्रीम से बहुत अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता मेकअप करा हुआ, बट येस बेरेबल होता है और अच्छा रहता है डेली बेसिस के लिए। सो एज ऑलवेज मैं अपना ब्रश भूल गई थी, एंड ये मेरे हस्बैंड हैं, सो इनका भी कल ऑफ था, सो ये मुझे डिस्टर्ब करने तो आना ही था वीडियो में एज ऑलवेज, सो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग नाउ। एंड या, इसे मैं अच्छे से पूरे फेस पे जो है स्प्रेड कर लूँगी, एंड बहुत अच्छा कवरेज मिल जाता है डेली बेसिस पे, सो येस। अभी जो है सेटिंग पाउडर वगैरह जो होता है मैं वो बेक के लिए नहीं यूज़ करती हूँ, तो ये मेरा जो है कॉम्पैक्ट पाउडर मैं स्पेसिफिटी का यूज़ करती हूँ। ये मैंने शादी के बाद से यूज़ करना शुरू करा है और बहुत अच्छा है, अंडर आई जो है क्रीज नहीं बनती। आप पूरे फेस पे अगर कभी भी नहीं कोई फाउंडेशन या आपको बीबी क्रीम अप्लाई करनी है, आप इसके साथ इसको लगा के पूरे फेस पे आप स्प्रेड कर सकते हो, और उसके बाद में काजल वगैरह अप्लाई कर लो, उससे भी बहुत अच्छा जो है ग्लो आ जाता है फेस पे। सो या, इसको अच्छे से पूरे फेस पे जहाँ भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाई है वहाँ पे लगा लो एक बार, इंक्लूडिंग नेक जो मैं हर बार भूल जाती हूँ। फिर इज माय फेवरेट पार्ट, आंखों पे एक कोई भी डार्क सा आई शेडो लेके जो मर्जी करते रहो, क्योंकि ज़्यादा हमें कुछ फिनिशिंग तो करनी नहीं है। सो जैसे भी कलर जो भी अच्छे लग रहे हैं, मैं जितने भी ट्यूटोरियल देखती हूँ वो सारे मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, क्योंकि एट दी एंड पिक्चर्स वगैरह में ऐसा मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाउड सा अगर मेकअप कर रखा है आपने, और इस पर कोई आपको बहुत नीट एंड क्लीन भी नहीं करना है, बस उसे स्मच कर लो, एंड येस जो भी कलर्स आप उसको पसंद है उनके साथ आप प्ले कर सकते हो। एंड मैंने ये हमेशा करके देखा, फ़ोटोज़ में बहुत अच्छा जाता है, ऐसे अभी थोड़ा हैवी लग रहा है बट फोटोज़ या वीडियोज़ में एंड में बहुत अच्छा लगता है। सो येस, सो अभी मेरा हाइलाइटर जो है वो मुझे मिल नहीं रहा था। सो जब भी मेरे पास हाइलाइटर नहीं होता, ये एक ट्रिक है, जो ये आई शेडो है, ये ग्लिटर जो होता है ना, प्रॉपर ग्लिटर नहीं, जो आपका शिमर सा गोल्डन कलर रहता है उसको आप हाइलाइटिंग एरियाज जो होते हैं ना अगर उस पर लगा लेते हो तो वो बिल्कुल आपका हाइलाइटर का ही काम करता है, एंड बहुत अच्छा लगता है सी। सो अगर कभी भी हाइलाइटर नहीं मिलता है या अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसा कोई भी जो गोल्डन आपका आई शेडो रहता है उसको अप्लाई कर सकते हो। सो अभी मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, काजल के बिना जो है आईज़ अच्छी नहीं लगती हैं, इतना मेकअप अगर आपने कर रखा है तो काजल बहुत अच्छे से आपकी आईज़ को डिफाइन करता है, तो काजल ऑलवेज जो है अप्लाई करना चाहिए, सो यू विल सी द डिफरेंस। एक आंख में काजल लगाने से कितना डिफरेंस है प्रॉपरली, सो मैं दूसरी आँख में भी जो है प्रॉपर काजल अप्लाई कर लूँगी, उससे बहुत अच्छी एक फिनिशिंग सी आ जाती है आईज़ में। सो अभी जो है मैं लोअर लैश लाइन जो है वहाँ पे भी इसको थोड़ा सा सेम जो कलर मैंने आई शेडो के लिए यूज़ करा उस पर जो है स्मच कर लूँगी इसको। एंड ये मैं रेवलोन की लिपस्टिक्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ, ये सारी मैंने शादी के टाइम पे ही जो है बाय करी हुई है, एंड येस दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, ये कलर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एक कलर के साथ चला जाता है आपकी ड्रेस के। एंड ये थोड़ा सा शिमरी सा था तो मैंने उसके ऊपर उसे थोड़ा मैटिफाई करने के लिए कॉम्पैक्ट उसके ऊपर अप्लाई करा है, एंड वल्ला आई एम रेडी टू गो। सी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे फन प्ले करना कलर्स के साथ।